तो उन्हें पूछा कि यहाँ एक कैलाश नाम का
उसने देखा घंटा तो सोने का है, घंटी तो सोने की है। उसके मन में विचार आ गया कि घंटी को चोरी करना। उसने सोचा कि क्या होगा, आज तो कितना शुभ दिन है, यदि इस शुभ दिन पर सोने की घंटी चोरी की जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आज तो शिवरात्रि है, आज तो कितना शुभ दिन है। तो बेचारा बैठा रहा, एकदम ऐसे बैठा रहा जैसे कोई बड़ा संत है, ढोंगी बाबा। अब शाम हुई 5 बजे, उसने आँख खोल के देखा कोई है तो नहीं। नहीं, 2-3 आदमी है। फिर 9 बजे रात के आँख खोली, कोई नहीं है, एकदम शांत। मंदिर में कोई नहीं है, मौके का चौका मारना है। अब क्या हुआ कि वो घंटा चोरी करने के लिए वो अब उठा, रात में कोई नहीं था, एकदम सार मंदिर बंद था, एकदम वो गया चुपके से। वो घंटे उतारने की सोच रहा था तो घंटा जो था वो केवल बजने के लायक था कि कोई उसको बजा सकता, उतार नहीं सकता है। तो बेचारा वो थोड़ा छोटा था, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो शिवजी के जस्ट ऊपर घंटा लगा था। अब जो घंटी लगी थी तो उसने उसका आगे नहीं पूछ रहा था, बस बज रहा था, इतना पहुंच रहा था, पर जो खोलते हैं वो वहां तक जहां पैच लगे रहते हैं वहां तक नहीं जाना था। तो उसने सोचा कि मैं शिवजी के ऊपर चढ़ के इस घंटी को चोरी कर सकता। जो स्त्री होती है नाट्य की स्त्री, उसका रूप देख के आगे बहुत सुंदर
योगी बनना है।
पाया हूँ। जब तक हम संग नहीं करेंगे, अभी भी मैं तुच्छ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं गिरा हुआ तृण के समान हूँ। मैं भगवान के सामने और जो महाराज वगैरह आप सबके सामने तुच्छ हूँ। यदि मेरी कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो आप उसको ग्रहण ना कीजिए, जो अच्छा ही है उसको ग्रहण कीजिए, और यदि कोई गलती है मेरी तो उसको मेरे को बता दीजिए, जिससे मैं उसका सुधार कर सकूं और कहीं और जगह गलत ना बोलूं। ये आप मेरे को आशीर्वाद दें। मैं आपका दास अरुण दास माधव दास गोपीर भट्ट पद कमलियो दास।